अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया में तकरीबन 20 से 100 मिलियन के दरमियान जानवर पाए जाते हैं। बिल्ली और कुत्तों के पालतू होने के अलावा बहुत से जानवर ऐसे हैं जिन्हें दूर रखना ही बेहतर है। आज हम आपको 10 खतरनाक जानवरों के बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो एंड तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नंबर 10, स्नेल को आमतौर पर ज़रूर छोटी मखलूक समझा जाता है, लेकिन मार्बल की सतह का कॉन्स्नेल एक बहुत ही नुकसानदेह मखलूक है। हालांकि इनके साइज़ छोटे होते हैं, लेकिन इनका एक डंग इतना मजबूत होता है कि तकरीबन 20 लोगों को मार सकते हैं। कॉन्स्नेल खारे पानी की मखलूक हैं और मछली खाना पसंद करते हैं। नंबर 9, किंग कोबरा 7 मीटर लंबा और 9 किलोग्राम वजनी होता है और इसका शुमार ख़तरनाक तरीन मखलूकात में होता है। किंग कोबरा ज़्यादातर इंडिया, एशिया और जनूबी मशरक़ में रहते हैं और छोटे मैमल्स खाना पसंद करते हैं। किंग कोबरा का एक डंग 21 अफराद की जान बासानी ले सकता है। जिस तरह दुनिया में ख़तरनाक तरीन जानवर हैं, इसी तरह ये मखलूक भी मौत के साथ नतीजे दे सकती है। ये एक तस्वीर के तौर पर ही खूबसूरत नज़र आते हैं, मगर ये खौफनाक जानवर हैं। इनके अलावा किंग कोबरा दुनिया की सबसे लंबे स्नेक हैं। नंबर 8 पे स्टोन फिश है। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक और जहरीली मछली है। इसे अपनी शक्ल की वजह से पत्थर की मछली भी कहा जाता है। ये पानी में रहने वाली पत्थर की मछली की तस्वीर के लिहाज से पत्थर में बआसानी छुपने की सलाहियत रखती है, ताकि अपना शिकार आसानी से कर सके। ये मछली की एक किस्म होती है जो ख़ास तौर पर बहिरा हिंद में पाई जाती है। इसके ऊपर वाले हिस्से के कांटों में जहर होता है। जो शख्स पत्थर वाली मछली के जहर अपने जिस्म में ले जाए और इसका सही वक्त से इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 7 पे डेथ स्केल्टर हैं और ये बिच्छू के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। पीले रंग की ये मखलूक दुनिया के ख़तरनाक तरीन मखलूकात में पहले नंबर पे भी आ सकती हैं। जब ये बिच्छू किसी को काटते हैं तो इसके नतीजे में कोमा और फालिज भी हो जाता है। अगर ज़रूरी इलाज ना किया जा सके तो इंसान की मौत भी हो सकती है, और वो भी सिर्फ एक घंटे के दौरानिया में। नंबर 6 पे टाइफन को ऑस्ट्रेलियन स्नेक भी कहा जाता है और ये स्नेक काफ़ी जहरीले होते हैं। अंदरून मुल्क टाइफन स्नेक का मतलब चाइनीज़ ज़बान में बिग बॉस होता है। इस स्नेक के जहर के अमल में लोगों को फालिज और पट्टे कमज़ोर करने का बाइस बनते हैं। ये कोबरा सांप से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये सांप का जहर इतना मजबूत होता है कि मजमूई तौर पर 120 अफराद की जान ले सकता है। नंबर 5 पर ब्लैक माम्बा काफ़ी जहरीला और इतना जहरीला है जितनी आपको तवक्को भी नहीं होगी। इस मखलूक का असल वतन अफ्रीका है। ये दुनिया के लंबे सांपों में दूसरे नंबर पर आते हैं। ब्लैक माम्बा स्नेक की ऊंचाई आमतौर पर तकरीबन 2.5 मीटर होती है, लेकिन ये सांप 5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। मुंह काला होने की वजह से ब्लैक माम्बा कहलाने वाले सांप के जिस्म का रंग गहरा सब्ज़ होता है और 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये सांप 150 अफराद की मौत का सबब बन सकते हैं।
ये मकड़ियाँ मिट्टी के तकरीबन 20 सेंटीमीटर नीचे रहना पसंद करती हैं और घोंसले के मुंह में चिमनी की शक्ल में जाल बनाकर अपना इजहार करती हैं। ये मकड़ी सिडनी में ज़्यादा पाई जाती हैं और काफ़ी मेहरबान होती हैं, पर जिस किसी शख्स या मखलूक को दुश्मन समझ लें तो इसके ख़िलाफ़ सोचे बिना हमला कर देती हैं और ये 2 मीटर तक ऊंची छलांग लगाने की सलाहियत रखती हैं और इनका साइज़ 3 मीटर तक होता है और ये आम तौर पर जनवरी से मार्च में नज़र आती हैं और अपने जहर से 30 मिनट में किसी भी मखलूक की जान ले सकती हैं। पिलो रिंग ऑक्टोपस ज़मीन पर रहने वाला एक ख़तरनाक जानवर है। ये एक ऐसा जानवर है जिसका जहर बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। ये ऑक्टोपस गोल्फ़ की बॉल जितना बड़ा होता है। इसके जिस्म का जहर और एक डंग 30 अफराद को मारने के लिए काफ़ी होता है। ये जापान और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली मखलूक इंसान को मारने में सिर्फ 2 मिनट लेती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग कोलंबिया और अमेरिका में रहते हैं। अगर इस मेंढक को छू लिया जाए तो इंसान मफलूज हो सकता है और अगर गलती से इसे निगल लिया जाए तो 1 मिनट से भी कम अरसे में इसकी जान जा सकती है। इस मेंढक का पूरा जिस्म जहर से भरा होता है। इसका साइज़ 2.5 सेंटीमीटर होता है और ये बा आसानी से 200 अफराद की जान ले सकता है।